हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एंटी क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच के विषय में ज्ञान प्राप्त करें। इसके पहले था क्लाइमैक्स, प्रतिकाष्ठ, चरमोत्कर्ष, उसका उल्टा है एंटी क्लाइमैक्स, अधोगति। क्लाइमैक्स के अंतर्गत स्टेप बाय स्टेप चरमोत्कर्ष दिखाया जाता है। एंटी क्लाइमैक्स के मतलब सीढ़ी दर सीढ़ी, कदम दर कदम उसमें औन्नति की जाती, अधोगति नीचे की तरफ ले जाया जाता। डेफिनेशन, एंटी क्लाइमैक्स रिफर्स टू ए फिगर ऑफ स्पीच। एंटी क्लाइमैक्स एक ऐसे अलंकार को संदर्भित करता है इन विच स्टेटमेंट्स, जिसमें कथन ग्रेजुअली डिसेंड, कथन धीरे धीरे ग्रेजुअली धीरे धीरे नीचे आते हैं, डिसेंड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, डिसेंड इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस। कह रहा है कि उसके महत्व को घटाने के लिए, महत्व को उतारने के लिए धीरे धीरे नीचे किया जाता है। एंटी क्लाइमैक्स रिफर्स टू ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच स्टेटमेंट ग्रेजुअली डिसेंड, जिसमें कथन धीरे धीरे नीचे आते हैं, इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, महत्व के क्रम में धीरे धीरे नीचे की तरफ आते हैं, मतलब उनका महत्व धीरे धीरे घटाया जाता है। अनलाइक क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स के विपरीत एंटी क्लाइमैक्स इज द अरेंजमेंट। क्लाइमैक्स के विपरीत एंटी क्लाइमैक्स एक ऐसी व्यवस्था है, अरेंजमेंट है ऑफ ए सीरीज, एक श्रृंखला की व्यवस्था है ऑफ वर्ड शब्दों का। यानी क्लाइमैक्स के विपरीत एंटी क्लाइमैक्स एक सीरीज है, सीरीज की व्यवस्था है, श्रृंखला है, किसका? शब्दों का, फ्रेजेज वाक्यांशों का, और क्लाजेज उपवाक्यों का। इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग, घटाने के लिए, औन्नति करने के लिए इम्पॉर्टेंट, महत्व को घटाने के लिए शब्दों वाक्यांशों क्लाजेज का एक श्रृंखलाबद्ध व्यवस्था है। फिर सुन लीजिए, अनलाइक क्लाइमैक्स प्रतिकाष्ठा के विपरीत, अनलाइक क्लाइमैक्स प्रतिकाष्ठा अलंकार के विपरीत एंटी क्लाइमैक्स अधोगति या औन्नति इज द अरेंजमेंट, एक ऐसी व्यवस्था है आप ए सीरीज ऑफ वर्ड्स, शब्दों की एक ऐसी व्यवस्था है, वाक्यांशों फ्रेजेज वाक्यांशों की एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसी व्यवस्था है, और क्लाजेज अथवा उपवाक्यों की एक ऐसी व्यवस्था है इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इम्पॉर्टेंस, ताकि घटते हुए क्रम में उसका महत्व घटे। यहां उदाहरण डाले गए, सी इज ए ग्रेट राइटर, वो महान लेखिका है, सी इज ए ग्रेट राइटर, वो महान लेखिका है। ए मदर, मतलब सी इज ए मदर, एक माता है, देखिए पहले लेखक पर आए तब माता पर आए। एंड ए गुड ह्यूमरस, और एक अच्छी हास्य वाली है। अब देखिए वहां ग्रेट आया था, यह सामान्य द्रव्य मदर आ गया, और यह गुड ह्यूमरस है, धीरे धीरे उसको अधोगति में पहुंचा दिया, उसके महत्व को कम कर दिया, पहले महान बनाया और उसके बाद साधारण मदर हो गया, और उसके बाद तब करे कि एक अच्छा हास्य। दूसरा डाला गया है, ही लास्ट हिज फैमिली, उसका परिवार खो गया, ही लास्ट हिज फैमिली, उसका परिवार खो गया। हिज कार, उसकी गाड़ी खो गई। एंड हिज कार सेलोफोन, और उसका सेलोफोन गायब। अब इस फैमिली के आगे इस कार और फोन का क्या महत्व है, मतलब धीरे धीरे उसके अधोगति की तरफ ले जाता है। ए लास्ट हिज फैमिली, पहले बड़े महत्व की बात को पहले किया, उसका परिवार गायब हो गया। ए लास्ट हिज कार, उसकी गाड़ी गायब हो गई। एंड हिज सेलोफोन, और उसका सेलोफोन भी गायब। दूसरी परिभाषा, दिस इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स क्लाइमैक्स का विपरीत अर्थ वाला है। दिस इज द अपोजिट ऑफ क्लाइमैक्स, यह क्लाइमैक्स का विपरीत अर्थ वाला है।
विथ द स्टेटमेंट जिसमें यह कथन होता है इन डिसेंडिंग ऑर्डर उतरते हुए क्रम में कथन व्यक्त किया जाता है फ्रॉम हायर टू द लोअर उच्च से निम्न स्तर को घटते हुए क्रम में कथन प्रस्तुत किया जाता है इट इज यूजली यूज्ड फॉर द पर्पज सामान्यतया इसका प्रयोग किया जाता है इस उद्देश्य से टू सटायर व्यंग कसने के लिए रेडिकुल या हंसी उड़ाने के लिए फिर देखिए करा दिस इज द अपोजिट या विलोम है विपरीत है किसका क्लाइमैक्स यानी प्रतिकाष्ठा अलंकार का क्लाइमैक्स फिगर ऑफ स्पीच का या विलोम है विथ द स्टेटमेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर अब इसमें कथन उतरते हुए क्रम में होते हैं घटते हुए क्रम में इसमें कथन आते हैं फ्रॉम हायर टू लोअर इसमें उच्च से निम्न स्तर की तरफ कथन को घटाया जाता है इट इज यूजुअली यूज फॉर द पर्पस ऑफ सटायर और रिडिकुल और इसका प्रयोग प्रायः जो होता है वह व्यंग कसने के लिए या हंसी उड़ाने के लिए किया जाता है उदाहरण के लिए ही लास्ट हिज वाइफ उसकी वो अपनी पत्नी खो दिया हिज डॉटर उसकी पुत्री खो गई हिज सन्स उसके पुत्र खो गए एंड हिज वाइफ और उसकी वाइफ खो गई अब देखिए यहां से उसने शुरू किया वाइफ से हे लास्ट हिज वाइफ वो पत्नी खो दिया हिज डॉटर उसकी पत्नी खो गए हिज सन्स पुत्र खो गए और अंत में घड़ी की बात करा तो धीरे धीरे उसे अधोगति की तरफ ले जा रहा है दूसरा हियर दाउ ग्रेट एनल यहां तुम्हारी महान कहानी एनल जीवन इतिहास पड़ा हुआ है होम थ्री रिम्स हो गए जिसका तीन राज्य शासन करता आदेश का पालन करता है हियर दाउ ग्रेट एनल होम थ्री रिम्स हो गए करा यह तुम्हारी महान कहानी है जीवन इतिहास है उसका जिसका तीन राज्य आदेश का पालन करता है डोस्ट समटाइम्स कनेक्ट ठीक क्या तुम कभी किसी समय जुड़े हो उनसे एंड समटाइम्स ही अब कभी कभी तुम्हें बर्दाश्त भी करना पड़ता ओके लाइन है मतलब इस तरह से आपने एंटी क्लाइमैक्स में देखा कि क्लाइमैक्स के विपरीत इसमें व्यक्ति के वस्तु के महत्व को घटाया जाता है इस तरह से आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण फिगर ऑफ स्पीच है 20 उनको वन बाय वन क्रम से आपको इस 20 वीडियो के अंतर्गत डिटेल में डाल दिए गए अब ये जितने भी फिगर ऑफ स्पीच का प्रयोग किया जाता है वो क्या है साहित्य के में उसके सौंदर्य को उसके भाव को उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इन विभिन्न अलंकारों का प्रयोग कवि लेखक नाटककार उपन्यासकार कविता लिखने वाले उसमें इसका प्रयोग करते हैं अब इसके बाद के वीडियोस के अंतर्गत कैसे छांटेंगे कविता दी गई लाइनों में कैसे इनका पहचान करेंगे उसको सिखलाने का प्रयास किया जाएगा थैंक यू